तो अब आपको दिखाते हैं दिल्ली दंगों की इनसाइड स्टोरी। फरवरी में दिल्ली में हुए दंगे का क्या है पूरा सच? दंगे क्यों हुए? क्या ये अचानक भड़की हिंसा का अंजाम था या इसके पीछे हुई थी गहरी साजिश? दंगों पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब है और 197 पेज की उस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जी न्यूज के पास। चार्जशीट में दंगों के साथ ही जामिया हिंसा और शाहीन बाग का सच भी उजागर किया गया। तो क्या है दिल्ली दंगों की इनसाइड स्टोरी, आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारों के जरिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले उमर खालिद ने 2020 में अपने इरादों को अंजाम देने की साजिश रच दी और नतीजा फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड का खुलासा किया है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है जी न्यूज के पास। चार्जशीट के एक एक पन्ने में दंगों की साजिश का सबूतों के साथ जिक्र है, लेकिन खालिद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है 720 सेकंड का कॉल रिकॉर्ड। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों से एक दिन पहले 23 फरवरी को उमर इंडिगो फ्लाइट से पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंचा था। 24 फरवरी को दंगों के दिन पिंजरा तोड़ की तरह से नताशा ने उमर को फोन किया, जिसमें उसने दिल्ली दंगों का अपडेट बताया। चार्जशीट के मुताबिक 24 फरवरी को इस बातचीत की वजह का भी जिक्र किया गया। चार्जशीट में कहा गया कि व्हाट्सएप पर दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडेटरी ग्रुप यानी DPSG के एक सदस्य ने एक पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने लिखा कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तुम लोगों का मकसद क्या है और मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक इस मैसेज के बाद ग्रुप में हड़कंप मच गया और इसलिए मसले पर नताशा ने उमर खालिद को फोन किया और दोनों के बीच 720 सेकंड तक बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में दंगों के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसका रिमोट खालिद के हाथों में था। चार्जशीट में पुलिस ने उमर खालिद के बारे में लिखा है, देशद्रोह के आरोपी खालिद ने साल 2016 में जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और देश विरोधी नारे लगाने वाला उमर खालिद साल 2020 आते आते उन नारों से काफी आगे बढ़ चुका है और खालिद ने आपराधिक साजिश रची और टेररिस्ट एक्ट किया और 2020 में नारा दिया तेरा मेरा रिश्ता क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह। चार्जशीट में खालिद के खिलाफ एक एक सबूत का जिक्र है, जिसमें कई तस्वीरें भी शामिल हैं। चार्जशीट के पेज नंबर 27 पर तस्वीरों में योगेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं खालिद और नताशा के साथ ही। पुलिस की चार्जशीट में एक और बातचीत का भी जिक्र है, तबरेज और जानवी मित्तल के बीच की बात, जिसमें जानवी तबरेज को हिदायत दे रही है कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे कि उसने बस में भरकर 300 महिलाओं को जहांगीरपुरी से जाफराबाद और सीलमपुर में भेजा था। चार्जशीट में कहा गया है कि तबरेज ने 300 बांग्ला बोलने वाली बुर्का नशी महिलाओं को जाफराबाद और सीलमपुर भेजा था, जहां इन महिलाओं ने दंगों के दौरान पथराव किया था। दिल्ली दंगों पर कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र शाहीन बाग का भी हुआ है और असम को देश से अलग करने का ख्वाब देखने वाले शर्जील इमाम को उसका मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में शर्जील के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बताने से पहले आप इस व्हाट्सएप चैट को गौर से देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि हम दोनों हैं मास्टरमाइंड। दरअसल ये व्हाट्सएप चैट शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के दौरान की है और बात हो रही है शर्जील इमाम और उसके भाई मुजम्मिल के बीच। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर मुजम्मिल ने शर्जील को एक लिंक भेजा और लिखा कि मुस्तफा का स्टेटमेंट कोट किया है, तुम्हारा क्यों नहीं? शर्जील ने जवाब में लिखा, पीस है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। इसके बाद मुजम्मिल ने लिखा, ओके भाईजान। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शर्जील ने 15 दिसंबर से ही चक्का जाम मॉडल की शुरुआत कर दी थी। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में CIA के खिलाफ मुहिम को दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड तय कर रहे थे। ऐसा ही एक व्हाट्सएप चैट आरोपी बनाए गए शर्जील इमाम और नदीम खान के बीच का है, जिसमें नदीम शर्जील को 2-3 जगह ट्रेवल करने को कह रहा है और कह रहा है कि देवबंद के एक बड़े प्रोग्राम में वो साथ चले। साथ ही चैट में शाहजहांपुर अलीगढ़ और आगरा के साथ ही बिहार में सीमांचल के हर जिले में मीटिंग का भी जिक्र है। दिल्ली दंगों के करीब 9 महीने बाद पेश इस चार्जशीट ने दिल्ली को दंगों में झोंकने की साजिश के साथ ही चक्का जाम पॉलिटिक्स का भी पर्दाफाश किया है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की मजबूरी का दर्द बयान करने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकारों को पुलिस की 197 पेज की यह चार्जशीट जरूर पढ़नी चाहिए और सोचना चाहिए कि अब भी वो किधर है, देश जोड़ने वालों के साथ या तोड़ने वालों के साथ।
नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।